हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल स्टाइल। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आप घर पे ही पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, और अपने पैरों को सुंदर बना सकते हैं इस लॉकडाउन में भी। सबसे पहले हमें एक बकेट या टब में वार्म वाटर लेना है एंड उसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है जो हम घर पे यूज करते हैं खाने में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें बॉडी वॉश ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन मैं इसमें 1/2 लेमन ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन हमारा सॉल्यूशन रेडी है। अब मैं अपने लेग्स को इसमें 5 to 10 मिनट्स तक सोक करूंगी, जिससे कि जो भी मेरे डेड स्किन सेल्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रहे गाइस, वाटर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना हो कि मतलब आप उसको सह सकें। सोक करने के बाद अब मैं इस तरीके के एक टूल की हेल्प से अपने हील्स को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। आपको ये टूल्स इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगा 10 to 15 रुपीज में। सोक करने के बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ तो मेरे सारे जो भी डर्ट है वो अच्छे से क्लीन हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है, बिल्कुल टाइम लगाकर। आप नॉर्मली पार्लर में भी अगर करवाने जाते हैं तो उसमें भी 1/2 घंटा तो मैक्सिमम लगता ही है, तो आप घर पे ही उसे टाइम लेकर करें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल पार्लर जैसा ही आपको एंड में इसका इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे जो नेल्स के बीच में भी हमें थोड़ी सी डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम होती है, उसको भी अच्छे से क्लीन करें। एंड मैंने इसे दोबारा उसी गर्म पानी में डिप कर लिया है पैर को। ये आपको काफी जल्दी जल्दी लग रहा होगा बट लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसे टाइम लेकर करना है आराम से। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, आपका 1 लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने जो वीडियो बनाया वो आपको हेल्प करता है। अब मैं अपने नेल्स को कट कर लूंगी। अगर आपने नेल पेंट लगाया होगा तो आप ये सारे प्रोसेस से पहले उसको रिमूव कर लें, बट मैंने नहीं लगाया था तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। अब मैं अपने नेल्स को क्लीन करूंगी। बहुत किसी के नेल्स जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, पर लेकिन आप अगर उस पर लेमन को इस तरीके से रब करोगे तो वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। एंड मैं अब इस पर DIY स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ। इसी को मैंने बेसन और चावल का आटा और हल्दी को मिक्स करके बनाया है। स्क्रब करने से ये होगा कि जैसे मतलब आपने देखा होगा कि हमारे जो ये जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क लगता है अदर ऊपर के पैर के हिसाब से,
तो इससे हमारी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी और जो भी डेड स्किन सेल्स होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। आपको ये सारे जो चीज़ें हैं वो इजीली आपको घर पे ही मिल जाएगा, कुछ भी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस लॉकडाउन में बनाइए और घर पे ही आराम से कीजिए। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करके देन इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी एज अ फेस पैक एंड इसको मैं नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी ताकि बिल्कुल ड्राई ना हो मेरे पैर इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद। आपको भी कोई भी अपना मतलब जो भी आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसको लगाकर इसको अच्छे से मसाज करें 5 मिनट तक, देन हमारा पेडिक्योर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in my next video. Till then, take care. Bye, guys. आप देख सकते हैं